नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत सिंह आने। दोस्तों, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उद्भव सीजन 2 के जो निर्णय होने वाले थे उसका। आज हमारे बीच में रूपा सतरूपा पांडे मैम हैं, जो एक लेखिका, कवित्री और समाज में हो रहे जितने भी महिला से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उन पे आप इनको बहुत से जो टीवी डिबेट्स हैं कार्यक्रमों में आप देख सकते हैं। और हमारी जो इस मंडली कह लीजिए, टीम कह लीजिए, मैम तो टीम कहती हैं, हम लोग मंडली कहते हैं, तो इनके जो मार्गदर्शिका के रूप में इस पूरे उद्भव सीजन 2 में मैम रहीं, इनका हम पूरे उद्भव टीम की तरफ से मैं शशिकांत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनसे आग्रह करता हूँ कि अब ये जो निर्णय हैं आप तक पहुँचाएँ। नमस्कार, बहुत मेहनत हुई है, कह सकती हूँ कि ये जो उद्भव द्वितीय की टीम बेहद मेहनत करके और लगभग ये 26 जनवरी से 26 मार्च तक एक आयोजन किया गया ऑनलाइन प्रतियोगिता, उसमें 300 एंट्रीज आई, तो इन सब बालकों ने बहुत अथक मेहनत करके और सुपरविज़न रहा और इन सब ने बहुत मेहनत करके 38 विशेष प्रविष्टियों को चयन किया। और वो क्या कहूँ, वो सारी की सारी इतनी शानदार थी रचनाएं, इतना अच्छा उसमें जिसकी भी जो भी भावनाएं पंक्तियों में बद्ध की गई थी, गद्य से संबंधित कहानियां भी थी, शेर व शायरी भी थी, गज़ल भी थी, कविता भी थी, हर तरह का उसमें काव्य की हर विधा को पाया गया, सभी सर्वश्रेष्ठ थी। पर जैसा कि प्रतियोगिता उसमें नियम होता है कि हम उसमें निर्णय हमें लेना पड़ता है, हमारे सामने बाध्यता होती है कि उसमें से चयन करना होता है कुछ चुनिंदा पुरस्कार। चूँकि सभी प्रविष्टियाँ बहुत अच्छी थी, 38 में बहुत मेहनत की गई, काफ़ी उसमें व्याकरण हर तरह की दृष्टि से जब देखा गया तो 5 नाम वो चयन किए गए जो बहुत सर्वश्रेष्ठ थे। वो 5 नाम थे, अभी मैं किसी क्रम में नहीं पढ़ रही हूँ, फर्स्ट सेकंड के रूप में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं उन नामों का जिक्र कर रही हूँ जो फाइनली डिसाइड हुए फर्स्ट सेकंड और 3 कॉन्सोलेशन प्राइज़ के। उसमें नीतीश, ज्योतिष, अश्म जो ओज विधा में लिखते हैं, जयपुर से हैं वो, कुंवर हरिओम जी चंदौली से हैं, ये भी ओज के बहुत बेहतरीन रचनाकार निकल कर सामने आए। दीपांशु सिंह आगरा से, रश्मि द्विवेदी जी कानपुर से, बेहद खूबसूरत श्रृंगार उन्होंने लिखा, और कुल भास्कर तिवारी जी बलिया से। ये पूरा मुझे लग रहा ऑल ओवर इंडिया से एंट्रीज आई, और बहुत मुझे लगता है शशिकांत जी इसमें BHU वगैरह से भी। अरे मैम, जो आपको देख लीजिए, JNU के इसमें एंट्रीज 15-20 थी जो कि स्कॉलर थे वहाँ के। अब उनकी कविताओं का हम लोग जो मंडली थी, जो आप लोग थी, हमें पता है कि आप लोगों को कितनी मुश्किल हुई होगी कि उनकी कविताओं का कैसे हम मूल्यांकन करें। एक स्कॉलर है, हिंदी से स्कॉलर कर रहा है, BHU से PhD कर रहा है, उनके कविताओं का मूल्यांकन करना हम लोग के बस का तो नहीं था। निश्चित रूप से बहुत, लेकिन धन्यवाद देंगे मैम का कि मैम ने बहुत ही मैम हुई और हमारी निर्णायक और मंडली हैं जिनका नाम है डॉक्टर रजनी अग्रवाल जी जो कि बनारस से हैं, इन दो मार्गदर्शिकाओं ने समझ लीजिए इतने अच्छे तरीके से चयन किया, टॉप 5, टॉप 38 और टॉप 2 जो कि अभी आप लोग सुनेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए वो भी मिलेगा आपको। तो ये 5 नाम थे, अब ये 5ों नाम प्रथम श्रेणी के ही लग रहे थे। फिर उसमें अनेह जी का एक ये थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने एक विचार ये रखा कि अगर 3 पुरस्कार ही रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ जाएगा हमें, तो निर्णय ये लिया गया
कि फर्स्ट सेकंड दो पुरस्कार और तीन कंसोलेशन प्राइजेस, क्योंकि वो सब समकक्ष थे। तो वो इस तरह से नाम है रश्मि द्विवेदी जी श्रृंगार से रिलेटेड जो उन्होंने अपनी कविता भेजी थी उसे प्रथम चुना गया है। बहुत सारी बधाइयाँ रश्मि जी। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये की नगद धनराशि होगी, प्रतीक चिन्ह होगा। और द्वितीय पुरस्कार कुंवर हरिओम जी, जिनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह होगा। बाकी हमारे तीन और रचनाकार दीपांशु सिंह जी आगरा और नितेश ज्योतिष अंश अस क्या लिखा हुआ है मैं अश्म जी, वो जयपुर से हैं, उनको और कुल भास्कर तिवारी जी को, ये तीनों कंसोलेशन प्राइज के हकदार हुए हैं। तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी पहले तो शशिकांत जी को, क्योंकि मैं सच में मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ शशिकांत जी की वो थोड़ी रह जाती है, क्योंकि मैं युवाओं के बल पर तब गर्व कर पाती हूँ जब शशिकांत जैसे युवा हमें संबल दे देते हैं कि नहीं दीदी हम वो सब करने वाले हैं जो आप सब स्वप्न देखते हैं। तो हम स्वप्न देखते हैं उसे धरातल पर लाने का काम करने वाले हमारे शशिकांत जी हैं। इनकी नई कलम एक टीम आप लेकर चलते हो, वो अभी जगह जगह पर उस बैनर के साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद आपने हिंदीगिरी की पताका भी फहराई थी और वो भी, और अब ये उद्भव द्वितीय भी किया गया। तो मुझे लग रहा है कि उन सब पांचों के साथ आपको बहुत छोटी सी मैं बात बता दूं मैम, द्वितीय आने का एक कारण था सीजन, अभी लगभग 5 महीने पहले उद्भव फर्स्ट आया था। तो हम लोगों ने पहला था, बहुत मेहनत की उस पर, उसके बाद जब ख़त्म हुआ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद हम लोगों को लगातार SMS आते थे, लगातार मेल्स आते थे कि सर मतलब उद्भव सेकंड कब आ रहा है, कब आ रहा है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारी ये एंट्री आप अभी से कंसिडर कर लीजिए। तब हम लोगों ने ये प्रयास किया कि दूसरा हम लोग लाएँ। और मैं तो चाहूँगी श्रृंखलाओं में हो जी, तो ये आप लोगों का मार्गदर्शन रहा, आपने कहा कि धरातल पर लाएँ मैम, हम लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग भी है। नहीं, बहुत सारी बहुत सारी मेहनत है। और आप मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो जो 300 प्रविष्टियाँ थीं वो सभी बहुत शानदार थे, और ये जो 38 थे ये बेहद शानदार थे। तो मैं अपने उन सभी रचनाकारों को जो हमेशा कहती हैं सतरूपा कि आप सब बेहतरीन थे, 5 हमें चुनने थे, हमने 5 चुन लिए, लेकिन जितने बाकी आप सब हैं आप सब नंबर 1 हैं, और आप सब इसी तरह लगे रहें, और हमारे युवा इसी तरह नए नए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाते रहें, और हम सबको ये इतना सम्मान दे देते हैं मुझे लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो ये सारी की सारी परिश्रम इस पूरी टीम की होती है जिसे हम उद्भव टीम कहते हैं, और शशिकांत जी की टीम कहते हैं, उस सारी टीम को बहुत अभिनंदन वंदन, और निरंतर ये बहुत सोपान छुए ऐसी शुभकामनाएं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मुझे शशिकांत जी ने बताया है अभी कि ये जल्द ही कोई एक कार्यक्रम जो रखेंगे भविष्य में उसका ये बना रहे हैं अपना कुछ इंतज़ाम, उस कार्यक्रम में ये जो युवा रचनाकार जो सेलेक्ट हुए हैं ये काव्य पाठ भी करेंगे, वहीं पर हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तो आप सबका हमेशा प्यार स्नेह ऊर्जावान युवाओं के साथ बना रहे, यही अपील यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। मैम लास्ट में बस एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा हमारे जो इस टीम के जो सदस्य रहे हैं हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, टीम में रहे रत्नेश गुप्ता जी जो कि बना, मैं चाहूँगी रत्नेश एक मिनट आ जाए इधर, वो कैमरे के पीछे हैं, वो शख्सियत जिनका पूरा पूरा रोल रहा है ये हमारे देखे रत्नेश गुप्त जी हैं, और ये ऊर्जावान बालक हैं सारा, ये जो आप तकनीकी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आइए आइए, ये जो तकनीकी आप देखते हैं जितना कुछ ये सब तकनीक हमारे संभालने वाले ये युवा हैं, और इस कैमरे के पीछे असंख्य वो युवा हैं जो अभी आपको नहीं दिख सकते
पर निश्चित रूप से एक दिन वो शशिकांत आने वाला है कि एक बहुत बड़ा सा क्राउड भी हम सब दिखाएंगे और बहुत लोगों के अथक परिश्रम का परिणाम ये उद्भव 2 है और बेहद सतर्कता से बेहद न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ये चयन हुआ है। इसमें कहीं प्रश्न का कोई कुछ नहीं बनता है क्योंकि मैं जितना बिलीव अपने युवाओं पर करती हूँ उतना ही बिलीव अपने उस स्वप्न पर भी करती हूँ कि अगर मैंने स्वप्न देखा है कि जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें निष्पक्ष निर्णय होंगे तो वो मेरा विजन मेरे बच्चों में मेरे युवाओं में मिलता है। तो शशिकांत जी आप कुछ कह रहे थे आप? तो ये हमारे रत्नेश जी थे हमारे टीम के पहले सदस्य, बाकी टीम यहीं पे है और कुछ लोग नहीं हैं। उनमें एक हमारी प्रिया कुमारी हैं जो पूरी एडिटिंग वीडियो जो आपका इस समय आने का जो वेबसाइट देख रहे हैं वो उन्होंने डिज़ाइन किया है। उसके बाद रजत अग्रहरी हैं हमारे जो पीआर का काम करते हैं, वो पर्सनल रिलेशंस से वर्क करते हैं। सत्य प्रकाश चौरसिया जो कि कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं। ये हमारी एक छोटी सी टीम है उद्भव की, बाकी आने की टीम तो बहुत बड़ी है। इसके साथ जो प्रतिभागी हमारे जिन्होंने अपनी रचनाएं भेजी उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो जिन्होंने इस प्रतियोगिता को उद्भव सीजन 2 के जो विजेता रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप ऐसे लगे रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आशा के साथ जैसा मैम ने कहा कि हम फिर उद्भव सीजन 2 जल्दी बहुत जल्द, और हम आपसे आशा करेंगे कि आप उसमें भी इसी तरीके से अपनी जो प्रविष्टियाँ हैं वो भेजिए, अपने एंट्रीज भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।